हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। हिस्ट्री न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम किसी प्रपोजल की बात ना करके एक ऐसे कमेंट को आपके सामने सुनाने जा रहे हैं जो अपने आप में वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। भेजने वाले दीपेश कुमार हैं, दीपेश प्रजापति का कहना है कि पल्स के सभी एजेंटों और निवेशकों के लिए आवश्यक संदेश भेजें। भेजने वाले का नाम एक बार आपको फिर बता देता हूँ, दीपेश प्रजापति है। उनका कहना है कि दोस्तों, मैं एक पल्स कंपनी का एजेंट और निवेशक हूँ। मैं आज बहुत ही हताश और डिप्रेशन में हूँ और आप सभी लोग भी डिप्रेशन में होंगे। दोस्तों, हम लोग सन 2014 से पहले पल्स कंपनी में काम करते थे और अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। कोई 10,000 कमाता था, कोई 20,000 कमाता था, परंतु आज हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। निवेशकों के जमा किए गए पैसों के कर्ज में दबे पड़े हैं और एक एक पैसे के लिए परेशान हैं। हमें इस स्थिति में पहुंचाने वाला केवल बीजेपी सरकार है। सन 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी ने सभी छोटी बड़ी कंपनियों से चुनाव लड़ने के लिए चंदे की मांग की थी, जिसमें कुछ कंपनियों ने जैसे टाटा, बिरला, बजाज, फिशिंगर आदि सैकड़ों कंपनियों ने राजी चंदा दे दिया था, परंतु कुछ कंपनियों ने चंदा देने से मना कर दिया था। बस इसी कारण से बीजेपी इन कंपनियों से नाराज़ हो गई। इस प्रकार बीजेपी ने चंदे के रूप में कई अरब रुपये इकट्ठे किए। जब चुनाव का समय आया तो बीजेपी ने बड़े जोर शोर के साथ चुनावी रैलियों की और रुपये चुनावी दंगल में, लंगर में, भंडारों में पानी की तरह बहा दिए। इस प्रकार बीजेपी ने सत्ता हासिल की और सत्ता में आने के तुरंत बाद बीजेपी ने पैसों और मंत्री होने के रूप में सभी डिपार्टमेंट जैसे सेबी, मीडिया, अदालत, चुनाव आयोग को अपना गुलाम बना लिया। बीजेपी ने सत्ता में आते ही उन सभी कंपनियों को बंद कराया जिन्होंने चंदा नहीं दिया था। वो कंपनी आज भी फल फूल रही हैं जिन्होंने अरबों रुपये चंदे के रूप में दिए थे। दोस्तों, जिन लोगों ने हमें खून के आंसू रुलाए हैं, हम उन्हें भुला नहीं सकते। जिन्होंने एजेंटों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया, हम उन्हें कैसे माफ़ कर सकते हैं। सत्ता के नशे में चूर ये भ्रष्ट मंत्रियों को सबक सिखाना है। हम लोगों ने जंतर मंतर पर भी हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होकर रैलियां निकाली थी और रैलियों के माध्यम से सरकार के सामने अपने दर्द बयान किया, परंतु अंधी और बहरी सरकार ने किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। मेरे दोस्तों, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लो और जिन लोगों ने हमें खून के आंसू रुलाए हैं, उनको भी हमें रुलाना है और चुनावी मैदान में उन्हें धूल चटाना है। मेरा यह संदेश पीएसएल के सभी एजेंटों और निवेशकों तक पहुंचाओ ताकि सभी को इस सरकार की हकीकत का पता चले। तो दोस्तों, ये था दीपेश प्रजापति का वो कमेंट जिसकी जिम्मेदारी आप तक पहुंचाने की मुझे सौंपी गई थी। दीपेश प्रजापति जी ने हमें सोचने पर मजबूर तो किया ही। दोस्तों, मेरा फ़र्ज भी पूरा हो गया है जब आप लोग इसे आगे शेयर करेंगे ताकि उन लोगों को भी पता चले जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है। तो दोस्तों, इजाज़त से पहले मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी घंटी का भी बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी धवनी उजागर हो और हर वो वीडियो आप तक पहुँचे जिससे आप ऊर्जावान बने। तो दोस्तों, इजाज़त लेने से पहले मैं इस स्लोगन को फिर दोहराना चाहता हूँ, पहले नोट बाद में वोट के इस नारे के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।